कि आप देख सकते हैं ये है हाइड्रोलिक पैक, हाइड्रोलिक पैक, और ये है हमारे पप्पू जी, इसमें तेल भरना चाह रहे हैं। 220 ग्रेड का तेल इसमें फिर से डाला जाएगा। इसके लिए यहाँ पे नहीं, सॉरी, 220 का नहीं डाला गया, माई मिस्टेक, इसमें सर्वो 68 का तेल हाइड्रोलिक ऑयल डाला जाएगा। और ये है हमारा टिल्टिंग, सॉरी, ट्विन चैनल के लिए पावर पैक या हाइड्रोलिक पैक, जिससे तेल जो है ना निकलेगा बहुत सारे प्रेशर से। ये डायरेक्शनल वाल्व दिया है या जो भी है, सॉरी, डायरेक्शनल वाल्व ये है, और इससे क्या है कि प्रेशर का जो भी तेल है, प्रेशराइज्ड ऑयल, इसमें से जाएगा और इससे ये पिस्टन मूव करेगा। और ये पिस्टन जो है ये ट्विन चैनल के फ्लैप्स को इधर इधर घुमाएगा, यानी कि ये ट्विन चैनल के जो ये फ्लैप्स हैं, ये जो है ऐसे 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 ना टिल्ट करेंगे, और हमारा जो भी सरिया इसके भीतर रहेगा वो जो है ना नीचे गिर के कूलिंग टावर, कूलिंग बेड के सीधा कोम में चला जाएगा, और धीरे धीरे उधर से रन आउट कन्वेयर जो कि इधर है रन आउट कन्वेयर, ये पूरा रन आउट कन्वेयर है, और ये रन आउट कन्वेयर में जाके उसके बाद फिर कोल्ड शेयर में जाके बेंडिंग सेक्शन में जाएगा। और ये है इसका सेटअप, ये हाइड्रोलिक होज पाइप लगाया गया है, और यहाँ पे अब हम जो है तेल डालने वाले हैं सर्वो 68। किस चीज़ के लिए? तेल डालने के लिए जो मोटर है, पंप, ये वही पंप है, और ये हमारा हाइड्रोलिक पावर पैक है, और ये है ऑयल फिल्टर जो ऊपर से निकल के आया है, और ये है ऑयल फिल्टर। इसी ऑयल फिल्टर से फिल्टर होके तेल जो है हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक से ट्विन चैनल की मूवमेंट कंट्रोल होगी, और यही ऑयल फिल्टर दोनों साइड लगी हुई है। Yeah.